Hello students of class 7, our discussion was going about transfer of heat. As I have told you, there are three methods of heat transfer: conduction, convection and radiation. Already I taught you about conduction. Today we shall see convection and radiation. तो कंडक्शन में आपने क्या देखा था कि हीट ट्रांसफर होता है, एक ही जगह हीट करते हैं, और पहले मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे कंडक्शन में हीट पास करता है। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्शन में हीट जहां करेंगे वहां का मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर गेन कर लेगा फिर वो अपना पोजीशन छोड़ देता है और ऊपर की ओर उड़ जाता है। फिर उसके बगल वाला आता है, हीट लेता है और ऊपर उड़ जाता है। कहने का मतलब कि इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है। तो ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से हीट ट्रांसफर होते रहता है। इस मेथड को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? Convection, the method of heat transfer in which there is actual movement of molecules of the substance being heated is called convection. तो ये method दोनों चीज में applicable होगा, liquid में भी और gas में भी। Liquid और gas को एक साथ fluid कहा जाता है। So this method of heat transfer occurs in fluids that are liquids and gases. तो इस तरह से ये देखा कि heat transfer का जो ये method है liquid में और gas में, दोनों में ही हम लोग convection method से heat transfer करते हैं। अब convection का क्या example है? तो example देखिए, air नीचे गर्म होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? घर के वेंटिलेटर में। आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर किधर होता है? छत के, सीलिंग के जस्ट नीचे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट एयर ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर की ओर जाकर के वो वेंटिलेटर से निकल जाएगा और आपके विंडो से फ्रेश एयर आ जाएगा। तो वेंटिलेटर के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि वेंटिलेटर्स आर लोकेटेड near the ceiling of rooms. This allows the hot air of the room to rise up and to move out of the ventilator. इसके आगे भी कि fresh air comes through the window. इसी तरह से coastal area में दो phenomena होता है, land breeze और sea breeze. तो day time में sea breeze होता है और night time में land breeze होता है। अब sea breeze और लैंड ब्रिज में देखिए क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम आपका लैंड ज्यादा वार्म होगा और वाटर जो कोस्ट ओशन में है वो उतना वार्म नहीं होगा। तो लैंड का एयर ऊपर की ओर उठ जाएगा और ओशन का एयर जो है लैंड से कोल्ड रहेगा। तो ये कोल्ड एयर यहां से जो लैंड से जो एयर ऊपर उठ गया, जगह खाली होता है, इसको भरने के लिए ये कोल्डर एयर आएगा। तो डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा? ओशन से या सी से लैंड की ओर। तो जो सी से लैंड की ओर ब्रिज आ रही है इसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड सरफेस बिकम्स वार्मर देन वाटर, द वार्मर एयर राइजेज अप एंड द कोल्डर एयर रशेस फ्रॉम सी टू लैंड to take its place. This gives rise to the sea breeze. अब इसी तरह से जैसे आपके बुक में क्वेश्चन है कि एक घर है जो बिना वेंटिलेटर का है और एक घर है जिसमें वेंटिलेटर भी है, विंडो भी है, आप कौन सा घर खरीदना पसंद करेंगे या किस घर में रहना पसंद करेंगे? तो जिसमें वेंटिलेटर भी है, विंडो भी है, उसमें हम लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर से गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर बह जाएगी और फ्रेश एयर विंडो से अंदर जा जाएगा, तो आपका रूम कंफर्टेबल होगा। इसी तरह से आप देखे होंगे
कि घर में एसी का फिटिंग कराया जाता है। एसी का फिटिंग कराते समय आप ध्यान रखेंगे कि सीलिंग के जस्ट नीचे आपका एसी लगता है, क्योंकि जो हॉट एयर है वो ऊपर की ओर जाएगा, वो ऊपर निकल जाएगा और कोल्डर एयर आपका नीचे आ जाएगा। तो ये सब रीजन है। इसी तरह से आपको बताया लैंड ब्रिज समझा दिया, अब सी ब्रिज देखिए। सी ब्रिज बता दिया, लैंड ब्रिज देखिए। लैंड ब्रिज में रात के समय होता है, नाइट टाइम में। नाइट टाइम में ठंडा होता है तो लैंड ज्यादा ठंडा हो जाएगा और वाटर जो है वो उतना ठंडा नहीं हो पाता है। कहने का मतलब कि वाटर जो है वो ज्यादा गर्म रहेगा लैंड की अपेक्षा। तो लैंड से एयर जो है वो वाटर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के ऊपर का एयर ऊपर की ओर उठने लगेगा और उस खाली जगह को भरने के लिए लैंड से जाने लगेगा एयर ओशन की तरफ। तो इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये सब एग्जांपल हो गया कन्वेक्शन का। अब हम लोग थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में देख लें। देखिए, रेडिएशन ऐसा मेथड है जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बगैर मीडियम हीट ट्रांसफर होता है। मतलब एक सोर्स ऑफ हीट होगा और एक जो ऑब्जेक्ट जिसको आपको गर्म करना है। अब जैसे सन है, आप सन के सामने बैठ जाइए तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक हीट गेन करेगा। ये जो मेथड है ये रेडिएशन है। बीच में वैक्यूम है, सन से जो सनलाइट आ रहा है वो वैक्यूम को पार करते हुए, एटमॉस्फेयर को पार करते हुए आपके पास तक आ रहा है। लेकिन वैक्यूम और एटमॉस्फेयर, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है और एटमॉस्फेयर पहले गर्म नहीं होता है, तो आपको डायरेक्ट हीट मिल रहा है। आप कहीं आग जला करके बैठ जाइए, क्या होगा? आप हाथ ऐसे करेंगे तो आपको हीट मिलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि बीच का जो एयर है वो एयर गर्म होकर के आपके हाथ पर आएगा तब आपका हाथ गर्म होगा, ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट मिल रहा है। तो ये जो मेथड है जिसमें कोई किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, इसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन को किस तरह से डिफाइन करें? द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन। जहां मीडियम का कोई जरूरत नहीं है उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा कलर पर भी डिपेंड करता है। जो शार्प कलर होगा यानी कि पॉलिश्ड सरफेस, वो हीट को ज्यादा रेडिएट करता है, और जो डार्क कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अभी कोई पॉलिश्ड सरफेस, तो पॉलिश्ड सरफेस पर अगर आप हीट देंगे तो वो हीट रेडिएट करेगा। आपने देखा होगा रूम हीटर, हम लोग ठंडे के महीने में विंटर सीजन में यूज करते हैं। रूम हीटर का पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो, मतलब जहाँ क्वाइल है उसके पीछे का, वो सिल्वरी रहता है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो पॉलिश्ड सरफेस होने के कारण क्या होगा कि वो मैक्सिमम हीट को रेडिएट कर देगा। इसी तरह से सोलर कुकर में जो हम लोग मेटल सीट देते हैं कुकर के अंदर, तो उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। वो ब्लैक करने का कारण कि वो हीट एब्जॉर्ब करे ताकि खाना आपका जल्दी पके। फ्रिज के पीछे का जो पोर्शन है आप देखेंगे कि उसको ब्लैक डल कर दिया जाता है ताकि हीट सराउंडिंग में इजीली डिसिपेट कर जाए। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन में लिखे हैं कि रूम हीटर्स हैव मिरर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल। ये मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो जो पॉलिश्ड सरफेस है वो। सोलर कुकर्स हैव ब्लैक मेटल सीट्स इनसाइड, उसके अंदर में ब्लैक मेटल सीट रहता है ताकि वो जो हीट होगा वो हीट पकड़ के एब्जॉर्ब करके रखेगा और आपका खाना जल्दी बनेगा। वी प्रीफर कुकिंग यूटेंसिल्स व्हिच आर ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड। खाना पकाने का जो बर्तन है उसके पीछे का जो हिस्सा होगा वो अगर ब्लैक है तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर कलर्ड डल ब्लैक सो दैट दे आर एबल टू
रेडिएट हीट इन ए बेटर मैनर टू द सराउंडिंग्स। तो रेफ्रिजरेटर का जो बैक वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं बेटर हीट रेडिएशन के लिए कि सराउंडिंग में हीट रेडिएशन ठीक तरह से हो जाए। इसी तरह से आप देखेंगे कि थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में भी रेडिएशन का यूज किया जाता है। थर्मस का जो इनसाइड आपका बोतल का जो होगा सरफेस वो शाइनी सरफेस होता है और थर्मस में इस तरह से दो सरफेस होता है, दोनों सरफेस के बीच एयर है और उस एयर को हम लोग वैक्यूम कर देते हैं और यहाँ जो यहाँ पर उसका आउटलेट होगा उसको सील कर दिया जाता है। तो बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो बाहर ही रह जाएगा और अंदर का जो शाइनी सरफेस है वो इधर से हीट इधर आएगा और इधर से हीट इधर जाएगा और ऊपर से आपका जो ढक्कन है वो बंद रहेगा तो हीट आपका जिस टेम्परेचर पर आप सामान रख के उस टेम्परेचर पर बहुत देर तक वो रह सकता है। इस तरह से थर्मस में भी हम लोग रेडिएशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका हीटलेशन जो था हीट ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आंसर आप आसानी से बना सकते हैं, आप अपना एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।